और वहीं रोहतक में देर शाम बेखौफ बदमाशों ने अशोका चौक में स्थित मुंचाल कॉम्प्लेक्स की वाईफाई सर्विस की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले के समय दुकान में 5 से 6 लोग मौजूद थे। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। दुकानदार का कहना है कि उसे रंगदारी के लिए परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी व्हाट्सएप पर उसे धमकी भरे मैसेज आए थे। पीड़िता का आरोप है कि हिस्ट्री शीटर मनोज मोरखेड़ी के नाम से उससे फिरौती मांगी गई है। और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। अब हम रोहतक में वाईफाई की सेवाएं प्रदान करते हैं काफी टाइम से। आज दिनांक 6/11/21 को 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरे ऑफिस में आकर फायर किया गया तथा धमकी दी गई कि यह मनोज मोरखेड़ी की तरफ से वार्निंग है। इससे पहले भी मेरे निजी मोबाइल पर 8 से 10 बार अज्ञात 4-5 नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी फिरौती मांगने की कोशिश करी उन्होंने, पर मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया था। पर उसके बाद 2 व्यक्ति मेरे ऑफिस में आए, वे बताया कि यह मनोज मोरखेड़ी ने भेजे हैं। 6:30 बजे करीब कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि मुंजाल कॉम्प्लेक्स में एक मंजीत नाम के आदमी का इंटरनेट का ऑफिस है और वहां पे एक फायरिंग हुई है। इस सूचना पे यहाँ आए थे, उन्हें फायरिंग हुई है और वहाँ से जो एविडेंस है वो उठा लिए हैं। उन्होंने कंप्लेंट दे दी है, अननोन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है, मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है जी। सीसीटीवी अभी कैमरे जांच जारी है, इसमें कुछ अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई